हसन रूहानी ने साल 2013 में ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था, लेकिन उनकी पहली भारत यात्रा की तारीख तय होने में 5 साल का लंबा वक्त लग गया। हसन रूहानी फरवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से मुलाकातें की। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान के संबंधों में इस लंबे अंतराल में कोई ठहराव आया हो। यह संबंध पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। भारत और ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान को यह दोस्ती सदैव खटकती रही है। पाकिस्तान ने इस दोस्ती में व्यवधान डालने के बहुतेरे प्रयास किए, मगर वह कभी सफल नहीं हो सका। मगर अमेरिका के साथ चल रहे ईरान के कटु संबंध अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़े फेरबदल कर सकते हैं। शायद पाकिस्तान ऐसे गलत अवसर पर अपनी चालें चलने के लिए बिसात बिछाने का प्रोग्राम चालू कर चुका है। इसके लिए अप्रैल 2019 में इमरान की ईरान यात्रा उसी का एक हिस्सा है। इससे पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी ईरान का दौरा करके इमरान की यात्रा की जमीन तैयार कर चुके थे। साफ है, पाकिस्तान इस वक्त ईरान को भारत से पूरी तरह अलग करने की कूटनीति पर काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार ने लगभग 2 महीने तक चुनावी राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखा, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता दिख रहा है। यानी इमरान ने अपने ईरानी यात्रा का वक्त वही चुना जब भारत में चुनावों का बिगुल बज चुका था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तेजी से बदला है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण चीन और भारत जैसे उसके सबसे बड़े तेल आयातक देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि चीन और भारत ईरान से तेल आयात करके उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए थे। हालांकि पाकिस्तान का इसमें कुछ भी नहीं गया। पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार कुछ करोड़ डॉलर तक ही सीमित है। यानी एक तरह से भारत ईरान से थोड़ा दूर खिसक गया है। अमेरिका से भारत को सिर्फ चाबार पोर्ट के लिए छूट मिल पाई है, मगर किन्हीं भी देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अब ईरान के बीच लगभग शून्य स्तर पर पहुंच चुका है। खास बात यह भी है कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ न भारत का मौखिक सहयोग मिला न चीन का। यही वजह है कि इस वक्त ईरान दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। ले देकर यमन के विद्रोही गुट ही ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तान इस सुनहरे मौके को भुनाकर ईरान के नजदीक हो रहा है। पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य भारत को चाबार पोर्ट से दूर हटाना है, पर समस्या पाकिस्तान के सामने भी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच 36 का आंकड़ा है। यदि पाकिस्तान ईरान का बड़ा हमदर्द बनता है तो उसकी तसरीफ पर सऊदी अरब की लात पड़ना भी तय है। इसीलिए पाकिस्तान भी भीतर खाने ईरान से पींगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। खबरें ऐसी भी है कि पाकिस्तान ईरान से लगती अपनी सीमा से चोरी छिपे व्यापार भी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान ने दोनों देशों के अवैध व्यापार की संज्ञा दी है। मगर जानकार कहते हैं इसमें ईरान और पाकिस्तान की रजामंदी है, मतलब खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ चुकी है पर उबाल अभी तक नहीं आया है। वैसे इमरान ने ईरान की यात्रा के दौरान पाकिस्तानी धरती से ईरान पर हो रहे आतंकवादी हमलों की स्वीकृति करके ईरान के साथ संबंध मजबूत करने की आधारशिला रखने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों देशों में शिया सुन्नी की खाई अभी भी गहरी है, पर ईरान जिन हालातों में फंसा हुआ है वहां उसे किसी भी देश की सहानुभूति मिलती है तो ईरान का उसकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। शायद यह उसी का परिणाम है कि ईरान ने भारत की बेरुखी से नाराजगी के चलते चाबार पोर्ट को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने का पासा फेंक दिया है। बड़ी बात यह है कि चाबार बंदरगाह भारत, अफगानिस्तान और ईरान की साझेदारी में है। यदि चाबार को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जाता है तो बेल्ट एंड रोड के तहत चीन की पहुंच तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, दक्षिणी रूस और तुर्की तक हो जाएगी। हालांकि ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद शरीफ के हवाले से बताई गई है, मतलब अभी मामला पूरी तरह साफ नहीं है। पर इतना जरूर है, पाकिस्तान अपनी उस योजना पर बहुत अधिक मेहनत कर रहा है जिसमें वह ईरान को अपने खेमे में ले जा सके। पर भारत में मोदी सरकार है जो भारत को आश्वस्त करती है कि देश के खिलाफ इस सरकार के होते हुए कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। मोदी सरकार की कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, अब यह सरकार पहले से अधिक ताकतवर होकर सत्ता में आई है, इसलिए इस संकट को भी जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। वैसे ईरान ऐसा करेगा वह नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं अधिक भरोसेमंद और बड़ा आयातक है। ईरान से अगर अमरीकी प्रतिबंध हटते हैं तो फिर भारत ईरान की रीढ़ पर तेल खरीद कर जो मरहम लगाता है, भारत उसे सदैव के लिए बंद कर देगा।
ईरान को पता है भारत उससे अपनी जरूरतों का 12% से अधिक तेल आयात करता है। ऐसे में यकीनन ईरान चाबार पर वादा खिलाफी और दगाबाजी से जरूर परहेज करना चाहेगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।